मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल लिविंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे आप सबको पता है न्यू मून आ गया है, आज न्यू मून का फर्स्ट डे है। आपके हमारे एंसेस्टर्स हमको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। आज हम देखेंगे हमारे एंसेस्टर्स, जो कि हम लोग अमावस्या का दिन उन्हीं का माना जाता है, हमारे एंसेस्टर्स का, तो वो हमें किस चीज़ से आगाह कर रहे हैं या करने के लिए कह रहे हैं, एवरीथिंग सभी देखेंगे। हमेशा की तरह तीन पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज कर लीजिए, पायल नंबर 1। यदि एक से ज़्यादा पायल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप चूज कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। पायल नंबर 2 और अब देखेंगे हम पायल नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। हमेशा की तरह फर्स्ट कार्ड निकला है आपका स्प्रिट फॉक्स, सेकंड है हमारा ट्रैवल, एंड थर्ड कार्ड है हमारा शमन। चलिए, फर्स्ट कार्ड निकला है हमारा स्प्रिट, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। गाइस, आप अपने ऊपर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखना रखिए, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो जो भी आप काम करने जा रहे हैं या किसी से कुछ बोलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, कोई स्पीच आपको देनी है, कॉन्फिडेंस के साथ रखिए। कॉन्फिडेंस आप अपने लूज मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। अपने विश्वास को आपको हिलाना नहीं है। आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जो एंजल्स हैं, या हमारे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं। तो जो भी आप काम करें, जो भी, देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग काम होंगे। हो सकता है किसी को जॉब चेंज करनी हो, किसी को किसी से बात करनी हो, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किस तरीके से बात करें। हो सकता है किसी को कहीं जाके कोई ट्रेनिंग देनी हो, स्पीच देनी हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। अपने ईश्वर पे, अपने इस पे विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। सेकंड कार्ड हमारा निकला है ट्रैवल, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आप लोग की लाइफ चेंज होने जा रही है गाइस, ये आपकी लाइफ चेंजिंग टाइम है, आपकी लाइफ चेंज। अब देखिए, मूव ट्रैवल मींस ये नहीं है कि आध्यात्मिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा नॉलेज हो या ईश्वर की साइड आप ज़्यादा झुके या इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चालू करें, तो हो सक कुछ लोगों के लिए ये मैं बोलूँगी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। या ट्रैवलिंग का मीनिंग घूमना फिरना या एक जगह से दूसरे जगह जाने का सिर्फ नहीं, हाँ कुछ लोग के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बताया जनरल रीडिंग है, लेकिन सबके लिए ये नहीं है। ये आप आध्यात्मिक ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, यानी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका थर्ड कार्ड निकला है ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आप सबसे पहले तो बिलीव करना सीखिए गाइस, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी वही आया है जिससे आपका कॉन्फिडेंस हिला है, लास्ट कार्ड भी आपका वही है। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, आपके जो वेल विशर है, हो सकता है आपको पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपका विश्वास हिल गया हो, किसी पे भी विश्वास ना हो आपका, लेकिन ये चीज़ जो कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, हमारे आँख नाक कान खुले रहने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं कि हर किसी पर आप डाउट करें, हर किसी पे आप शक करें। जो आप काम करने जा रहे हैं विश्वास के साथ करिए। यदि आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, अगर आप जिस पे विश्वास करते, क्योंकि यहाँ आपका विश्वास तो वैसे कम दिख रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत भी जिस पे भी विश्वास करते हैं
आप उनसे राय लीजिए, उनसे सलाह लीजिए, जो भी काम करने जा रहे हैं या कंफ्यूज है उस काम में, वो आपकी सलाह, वो आपको राय जरूर देंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई बड़े भाई बहन हों, या छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं जो जिन पे आप बिलीव करते हैं। तो अगर उनको इस चीज़ जो भी आप पूछने जा रहे हैं नॉलेज है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं गाइस। ज्ञान बड़ा छोटा देख के नहीं आता है, ज्ञान उसके पास नहीं रहता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है उसके पास बहुत नॉलेज होगा और जो छोटा है, नहीं। जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं के पास ईश्वर ज्ञान देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके टीचर हो सकते हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। यदि आपके कोई अच्छे टीचर वेल विशर जिन पे आप थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हैं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है आपको। आपके एंसेस्टर क्या आपके साथ है, उनकी सलाह है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, विश्वास लेके आइए, और फिर जो काम करने जा रहे हैं आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी। आई होप गाइस आपको पाइल नंबर 1 आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2। चलिए गाइस देख लेते हैं पाइल नंबर 2। स्काई फादर, अर्थ मदर एंड एल्डर। तो फर्स्ट कार्ड जो स्काई फादर, सबसे पहले तो गाइस आप लोग के अंदर इशू है बिलीव का। किसी पे आप लोग बिलीव नहीं करते हैं, बिलीव करना सीखिए। ठीक है, पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो आपके साथ कि आपको विश्वास नहीं होता है या किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो बिल्कुल ये गलत चीज़ है। इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालिए, बिलीव करना सीखिए। लोगों एक अगर पर्सन या दो खराब होते हैं तो पूरी दुनिया खराब नहीं है। आपके आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते। हो सकता है कोई परेशानी हो आपको, आप चाहते हुए भी सामने वाले को नहीं बोल रहे हैं। आपको इंट्यूशन जरूर आ रहा है कि आप इससे हेल्प मांगिए, लेकिन नहीं मांग रहे हैं कि उसने मना कर दिया। तो अगर उसने किसी से कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर उससे हेल्प ली और उसने किसी सेकेंड थर्ड पर्सन से कह दिया, तो सबसे पहले विश्वास रखना सीखिए। आपका ट्रस्ट जिसने भी तोड़ा था वो पास्ट हो चुका है गाइज, उस चीज़ को प्रेजेंट में मत लाइए, अदरवाइज आपको आगे लाइफ बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले विश्वास करना सीखिए लोगों पे। और यदि आपको कोई भी परेशानी और आपको इंट्यूशन आपको आ रहे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो ये बोल रहे हैं जिसके लिए आपको इंट्यूशन आ रहा है, हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए आ रहा हो, टीचर के लिए आ रहा हो, मदर फादर किसी के लिए भी, यदि आपको आ रहे हैं वो इंट्यूशन कि इस पर्सन से आप बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए गाइस। ये बिल्कुल ये आपके वहम नहीं है। कई लोग सोचते ना वहम हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसलिए दिमाग में बातें आ रही, बिल्कुल नहीं, आपका वहम नहीं है। ये इंट्यूशन आपको ईश्वर ही दे रहे हैं कि आप उस पर्सन से बात करिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलिए गाइस सेकंड कार्ड देखते हैं, अर्थ मदर। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, यहाँ भी वही बिलीव वाला इशू है। अर्थ मदर जो है हमारी पृथ्वी माँ, यूनिवर्स, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है आप भी उनसे प्यार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन और लोगों को भी अलाउ करिए। यानी कि आप अपने ही में खोए रहने वाले, बोलते ना इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा हैं। अपने को अलाउ करिए दोस्ती करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, दूसरों से बातें करिए, उनको प्यार करने के लिए अलाउ करिए। आप खुद दूसरों से कटे कटे रहते हैं, सोशल नहीं होते, अपने ही में रहते हैं, और उसके बाद ये भी सोचते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो क्या आप अपने अंदर आपने कभी झांक के देखा है, आपने अलाउ नहीं किया है? आप सोशल गैदरिंग नहीं करते, सोशल गैदरिंग में जाते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लोग आपको, आपके इस व्यवहार के कारण लोग आपको उल्टा समझते हैं, यानी आपको घमंडी समझते हैं, आपको उनको ऐसा लगता है आप बहुत अकड़ू टाइप में, ऐसा नहीं है। तो अपने आप को आप अलाउ करिए, झिझक खत्म करिए, शर्म खत्म करिए। यहाँ पे झिझक जो बहुत ज़्यादा है,
झिझक खत्म करिए, आप अपने को अलाउ करिए ताकि और लोग भी आपके साथ जुड़े और आपको प्यार करें, जो कि आप खुद अंदर से चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते तो हैं लेकिन वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स की का यही कहना है कि अपने को अलाउ करो, सोशल गैदरिंग में जाओ, फ्रेंड्स से मिलो, दोस्त बनाओ, नए नए दोस्त बनाओ, लोगों से मिलो जुलो, अपने रिश्तेदारों में आओ जाओ, जाओ भी और बुलाओ भी उनको। चलिए थर्ड कार्ड देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स का क्या है आपके लिए। एल्डर, हाँ ये देखिए कितने मिलते जुलते कार्ड है। जो आपके दादा परदादाओं ने जो एक लिमिटेशन बना रखी थी किसी चीज को लेके, जो सीमा बना रखी थी कि आपको इसके बाद ये नहीं करना है, या हमारे घर में ये काम नहीं होंगे, या हम इसके संग ऐसा नहीं कर सकते, जो आपके दादा परदादा ने ये चीजें बना के रखी थी गए, जो एक सीमा एक बाउंड्री बना के रखी थी जिस पे आप भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कर मजबूरी में आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत क्लियर उनका संदेश है, आपके एंसेस्टर्स का ही संदेश है। इन बाउंड्री के पार जाओ, इस सीमाओं को तोड़ो, जो आपको सही लग रहा है आप करिए, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने कुछ आपको जो लगता है, आपको खुद ही पर्सनली लगता है कि जो बाउंड्री बनाई है, जो एक सीमा खींच दी है, ये गलत है। इस सीमा को तोड़िए, मिटाइए, आगे बढ़िए, इस बाउंड्री के उस पार जाइए, और आपके एंसेस्टर आपको इस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो अगर कोई कुछ बोले भी, कह रहे हमारे दादा परदादाओं के टाइम से काम होता आ रहा था, तुम ऐसे कर रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो खुद ही अलाउ कर रहे हैं आपको। पाइल नंबर टू, बहुत क्लियर संदेश है आप लोग के लिए आपके एंसेस्टर्स का, वो आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, सबसे बड़ी चीज आपके जो ईस्ट है वो भी आपके साथ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि आप अपने आप को खुल के सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने को अलाउ नहीं कर रहे ताकि दूसरे लोग आके आपको प्यार करें। अपने अंदर अपने आप को अलाउ करिए, गैदरिंग सोशल गैदरिंग करिए, जाइए किसी लोगों के घर, आप भी आइए, रिश्तेदारी बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप अपने में सिमटे रहते हैं, जिसके कारण लोग आपको बहुत अकड़ू घमंडी भी समझते हैं, एक्चुअली आप है नहीं, तो इतना इंट्रोवर्ड भी अच्छा नहीं है। उससे आगे जाके क्या होगा, आप अपने में सिमटे रहेंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है जो हैं आपके लिए, उनको बुलाइए, जाइए रिश्तेदारों में जाइए, और आपको जो पुरानी बंदिशें हैं, जो आपके एंसेस्टर्स जो आपके दादा परदादा, वही एंसेस्टर जो अभी संसार में नहीं है, उन लोगों ने जो एक बाउंड्री खींच रखी थी, आपको ये काम करना है, हमारी फैमिली में ऐसे ऐसे होता है, जो आपको लॉजिक नहीं लग रहे और सही नहीं लग रहे, बिल्कुल उनका वो खुद अलाउ कर रहे हैं कि इस बंधन को तोड़िए, इस सीमा को तोड़िए और आप आगे जाइए, बहुत आगे जाएंगे आप। तो आई होप आपको पायल नंबर टू रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर थ्री आपके लिए। चलिए गाइस देखते हैं पायल नंबर थ्री। फर्स्ट कार्ड है आपका मेडिसिन गाइडेंस। सेकंड कार्ड हमारा निकला है सेज, एंड थर्ड कार्ड है हमारा शाओलिन मास्टर। तो सबसे पहले तो जो मेडिसिन गाइडेंस आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप ओपन रहिए, यानी खुलिए, यानी कि आप को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, या डिप्रेशन है, या एंजाइटी हो रही है, जो भी परेशानी आपको हो रही है, सामने वाला यदि आपको कोई सलाह दे रहा है तो अपना हार्ट ओपन रखिए, अपने घमंड में मत रहिए, अरे मुझे तो इसका नॉलेज है, मेरे को नहीं सुनना है, ये फालतू बातें कर रहा, बिल्कुल नहीं। सामने वाला जो आपको बोल रहा है ये एंजल्स की साइड से, आपके एंसेस्टर्स की साइड से, वो पर्सन जो आपको भेजा जा रहा है वो आपको हील करने के लिए। गाइस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपका बहुत बड़ा ईगो जो सामने आ जाता है, चुपचाप आप उनकी बातें सुनिए, वो आपको हील कर रहा है, अपना जो बोलते हैं ना दिल खोल के उसको वेलकम करिए, उसकी बातें सुनिए, उसकी बातों पे अमल करिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या कंफ्यूजन है
या जो भी परेशानियां चल रही सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपके एंजल्स एंसेस्टर्स की साइड से ही वो पर्सन को भेजा जा रहा है। हो सकता है आपके वो टीचर हो, या पेरेंट्स के दिमाग में बात डाली हो, या आपके भाई बहन हो, या आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको बातें बता रहा है, और आप अपने आप को बहुत होशियार इंटेलिजेंट समझ रहे हैं जिसके कारण आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो प्लीज, सामने वाला यदि कोई आपको बता रहा है कुछ किसी चीज के बारे में, हो सकता है आपको पता हो लेकिन आगे पूरी बात उसकी सुनिए, हो सकता है आपको जो बात पता हो आधी हो, पूरी नहीं है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अपने को अलाउ करिए, और वो आपके हीलिंग के लिए है। दूसरा कार्ड हमारा निकला है सेज। सबसे पहले तो गाइस, आप अपने को अपने आप से ये कमिटमेंट करिए कि जो भी अभी हो सकता है कुछ रिजल्ट आपका आने वाला हो, या कोई केस चल रहा हो, या कुछ आप करना चाहते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है आप डाउटफुल है उस चीज को लेके, तो सबसे पहले तो गाइस आप अपने को अलाउ करिए जो भी रिजल्ट निकले आपका उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाँ ना दोनों रिजल्ट दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसे कुछ लोगों के लिए नो निकल रहा है, और नो अगर जिसके लिए निकल रहा है आपको अच्छी तरीके से पता होगा आपने उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करी है, क्योंकि आप भी खुद डाउटफुल है उस चीज़ को लेके। आपको यहाँ ये कार्ड इसीलिए यही कहने आया है कि अगर नो आपका आंसर आ रहा है आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, आगे जाके वो आपको मंजिल 100% मिलेगी। अब गाइस किसी भी चीज में हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला हो, शायद नहीं मिले, तो आपको निराश नहीं होना। यदि एक प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गया तो दूसरा आ जाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, एंड तक आपको उस चीज के लिए कोशिश करते रहना है, ताकि वो जो, क्योंकि ये कार्ड ही ये बोल रहा है कि अगर अभी आपका नहीं हो रहा है लेकिन वो जो आगे जाके फ्यूचर में 100% वो चीज आपके संग हो सकती है यदि आप उस काम में लगे रहे। तो अगर आपने अभी छोड़ दिया और निराश हो गए तो फिर कैसे होगा, है ना। तो उस जो भी काम है यदि आपका अभी नहीं हो रहा है तो उस चीज में आप लगे रहिए, बिल्कुल सरेंडर मत करिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत क्लियर दिखा रहा है कि आगे जाके 100% वो आपका काम होगा ही होगा। शाओली मास्टर, जो भी आप काम कर रहे हैं, शाओली मास्टर ये बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करके आराम से, हड़बड़ी में नहीं करना है, नॉलेज पूरी लीजिए स्लो। हो सकता है कोई काम आपने शुरू किया है या जो कर रहे हैं वो स्लो, बहुत फास्ट, बहुत हड़बड़ी में कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है। सॉरी, उनका बहुत क्लियर संदेश है कि आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल, कहते हैं एकदम क्लीन और क्लियर और शांति के साथ एकाग्रचित होके करिए वो काम। हो सकता है जो आप काम कर रहे हो हड़बड़ी में कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो कि जल्दी से काम ये पूर्ण, नहीं, वो जो फिनिशिंग चाहिए उस काम में, जो क्लीनिंग चाहिए उस काम में, वो नहीं होगी गाइस। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आराम से, शांति से, पेशेंस के साथ और स्लोली वो काम आपको करना है। बहुत क्लियर इनका कार्ड जो निकला है मास्टर का, बहुत क्लियर इनका संदेश है कि आप जो भी काम करें आराम से करिए, स्लोली करिए, बिल्कुल काम आपका परफेक्ट होगा, हड़बड़ी में मत करिए, टाइम पे ही काम होगा, परफेक्ट काम होगा आपका, और पेशेंस बनाए रखिए। ये कार्ड आपके लिए निकला है पाइल नंबर 3। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बेल बटन गाइस जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।